हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं पूजा ढिलो, जैसा कि आप देख रहे हैं, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि यूएमसी से रिगार्डिंग है। जो एग्ज़ाम अप्रैल से अगस्त के बीच में कंडक्ट हुए थे इवन और ऑड सेमेस्टर के, उनकी यूएमसी लिस्ट आ गई है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की यहाँ बात की गई है। 29 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में इन सभी स्टूडेंट्स की हियरिंग होनी है, यूएमसी हियरिंग होनी है, ठीक है, जो कि आपके कैंपस में होगी और आप सभी के कॉलेज को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो आपको बता देंगे। कब किसकी हियरिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्या डेट दी गई है वो सभी, और सभी बच्चों के साथ बहुत अनफेयर किया है यूनिवर्सिटी ने। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, किस वजह से क्या यूएमसी बनाई गई है वो सभी मैं बता रही हूँ वहाँ पे। किन किन की है, बीकॉम फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेमेस्टर वालों की है, बीए वालों की है, ठीक है। सीरीज़ यहाँ नीचे दी गई है, 29 तारीख को है ये, 29 नवंबर 10 बजे है। बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉरी फर्स्ट सेकंड फोर्थ की है, बीए फर्स्ट की है। सीरीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। यहाँ हियरिंग है 30 तारीख को, 30 नवंबर को, बीएससी फर्स्ट फोर्थ और सेकंड सेमेस्टर की, बीए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, 10 बजे है 1 दिसंबर को। और जो सीरीज़ आपकी हैं वो जो बीएससी वाले हैं उनकी 91 से 242 है, यानी 242, और बीए वालों की 325 से 391 है, और बीए सेकंड ईयर वालों की 1 से 95 है। ऐसे ही एमए फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेमेस्टर की 1 to 158 सीरीज नीचे आपको लिस्ट में दिखाई देगी, ठीक है, रोल नंबर नहीं है ये। बीए सेकंड सेमेस्टर जो है उनकी 96 to 258 है, 2 दिसंबर को इनकी हेयरिंग होगी। बीटीएम फर्स्ट सेकंड फोर्थ की फर्स्ट टू थर्ड सीरीज, इनके कम बच्चे हैं इसलिए। बीसीए फर्स्ट सेकंड फोर्थ, एमएससी फर्स्ट सेकंड फोर्थ, पीजीडीसी ए, बीपीएड, एमपीएड, बीए सेकंड, बीबीए फर्स्ट, एमबीए फर्स्ट, एमकॉम फर्स्ट सेकंड फोर्थ, एमसीए फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और पीजी डिप्लोमा जो योगा में है फर्स्ट सेमेस्टर का उनका, ठीक है। अपीयरिंग केस हैं 1 to 14, ऑफलाइन सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनके भी 1 to 8 हैं, ठीक है, और ये आज का ही नोटिस है। कुछ इस तरीके की आपकी जो यूएमसी बनी है बच्चों की लिस्ट वो ये है, जो 29 तारीख को हियरिंग होनी है, किस वजह से यूएमसी बनी है वो, जो आपका जो नोटिस आया था एग्ज़ाम के टाइम पर आपकी स्क्रीन पर जो पॉपअप आया था वहाँ पर ये लिखा गया था, यूएमसी हैज़ बीन रजिस्टर्ड एक्टिविटी, मतलब आप कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि डाउटफुल है, जिसकी वजह से हमने आपकी यूएमसी बना दी है, ये यूनिवर्सिटी कह रही है, ठीक है, कि उस बच्चे ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी जिसकी वजह से हमने यूएमसी बनाई। ऐसे बहुत सारे मैसेज नीचे दिए गए हैं जो कि डिटेल में मैं आपको नीचे बताती जाऊँगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। CRSU बस बच्चों का मजाक बना रही है, उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग्स में जो नोटिफिकेशंस आए थे बस उन्हीं के तहत उनकी यूएमसी बना दी गई है। तो ये आप जैसे कि देख रहे हैं सब बच्चों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के नाम हैं यहाँ पर। सच बताऊँ तो बच्चे इतने ज़्यादा मेंटल ट्रोमा से गुजर रहे हैं इस टाइम भी, और एग्ज़ाम के टाइम तो इतने ज़्यादा हम सब पैनिक थे कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आप सभी को मोटिवेट करूं तो कैसे करूं, बट मैं कर रही थी किसी भी तरीके से, बट सच में बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं आ रहा यूनिवर्सिटी करना क्या चाहती है बच्चों के साथ। मैंने जो रजिस्ट्रार हैं, वीसी हैं, उनकी बहुत बातें सुनी हैं, पॉजिटिव बोलते हैं लेकिन वो बच्चों की बिल्कुल भी नहीं सुनते। आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी आपके साथ बुरा ना करे, आप सभी के पक्ष की सभी बातें उठाई जाएं, तो प्लीज़ 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 मेरा साथ दीजिए, बिकॉज़ मैं अब एक मुहिम चलाने जा रही हूँ
YouTube के तहत ही जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, उस चीज़ को फैलाएंगे, शेयर करेंगे, उतना ही हम सब अपने लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। बिकॉज जिस तरीके से ये UMC बना रहे हैं, जिस तरीके से, उसी को देखते हुए मुझे 101% लग रहा है कि हम सभी जो BEd के छात्र छात्राएं हैं, उनकी 101% चांसेस हैं कि UMC बहुत ज़्यादा बनेगी। क्योंकि उस टाइम पर आप सभी जानते हैं कि YouTube की वजह से ही कितना ज़्यादा पंगा हुआ था, और YouTube पे कुछ लोग इतना ओपनली सब कुछ शेयर कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ी थी और बहुत ज़्यादा ट्रबल भी करना पड़ा था। ना हमारा मिरर का साइज़ रिड्यूस हुआ था, और उसके बाद हर एक बच्चे को पॉपअप आया है, मुझे खुद आया है पॉपअप। मैं ये नहीं है कि मुझे नहीं आया, मुझे भी आए थे पॉपअप, और जब भी आए हैं मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि मुझे कब पॉपअप आया, क्या पॉपअप आया। बट वही है, मेंटली डिस्टर्ब तो हर कोई है कि भाई मुझे ये पॉपअप आया था, क्या हो सकता है, अब क्या करें। और दूसरा था कि जो बच्चे उस टाइम पर एग्ज़ाम उन्होंने दिया, बट टेक्नीशियन जो वहाँ पर दिक्कत आई थी साइट में, और उसकी वजह से वो अपनी जो शीट्स हैं, आंसर शीट हैं, वो PDF हैं या फोटोज़ हैं, वो अपलोड नहीं कर पाए थे। तो हम सभी उनके लिए भी प्लीज़ कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम VC और रजिस्ट्रार से गुहार करेंगे कि वो हमारी सुने, हमारे साथ इतनी जाती ना करें। और दूसरा हम ये भी कहेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो जितना जल्दी हो सके वो दें, क्योंकि हमें CTET का एग्ज़ाम देना है, HTET एग्ज़ाम देना है, जो UP से उन्हें UPTET देना है, और भी जो भी जहाँ से भी है उन्हें वहाँ का TET देना होता है, जिसके लिए उन्हें रिज़ल्ट चाहिए उनका। सो आप सभी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और मैं आप सभी की हर बात को उठाऊँगी। और जो आज UMC की मुझे पता चली है ये लिस्ट, ये बिल्कुल ही गलत है, बच्चों के लिए के साथ काफ़ी अन्याय किया गया है, और समझ नहीं आ रहा क्या चाहती है यूनिवर्सिटी यार। मतलब एडमिशन कौन लेगा ऐसी यूनिवर्सिटी में, सीरियसली कौन लेगा? ये एक बच्चा है, इनका लिखा हुआ है, इंस्पाइट ऑफ रिपीटिंग रिमाइंडर्स यू आर नॉट इम्प्रूविंग यूर सस्पिशियस एक्टिविटीज़, हैंस अनफेयर मीन्स आर इज केस इज बींग रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। मतलब वही कि आपको बार बार वहाँ नोटिफिकेशन दिया जा रहा था और आप हिल डुल भी नहीं रहे थे, आप सिर्फ कंटिन्यू अपना लिखने में लगे हुए थे। ये एक्चुअली एक YouTube पे वीडियो आई थी, मुझे लगता है उसकी वजह से हुआ है ये, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बोला था कि जो वेबकैम होता है उसको बैक साइड में लगा के ऐसा कुछ एडवाइज़ किया गया था, जिसकी वजह से। और हो सकता है, जैसे कि मुझे पॉपअप के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे थे, हो सकता है इन बच्चों को भी नहीं आ रहे होंगे, ड्यू टू इनके लैपटॉप या फ़ोन में जो इन्होंने फ्लाइट मोड या जो क्या बोलते हैं उसको नाइट मोड किया था, उसकी वजह से। क्योंकि मुझे भी एक ही दिन पॉपअप का जो नोटिफिकेशन होता है, मतलब उसमें जो पिन बजती है, वो आई थी। अदरवाइज़ मेरे 7 में से 6 एग्ज़ामों में बिल्कुल भी पॉपअप का नोटिफिकेशन के साथ कोई साउंड नहीं आई थी। बट वही है, कंटिन्यूसली मुझे पता था कि मुझे मेरी स्क्रीन पे भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज मुझे फर्स्ट डे कोई भी साउंड नहीं आई थी मेरी स्क्रीन से, और उस दिन मुझे लगा कि पता नहीं शायद आया हो कोई नोटिफिकेशन। आप सभी की हेल्प से मुझे ये पता चल रहा था कि हाँ नोटिफिकेशन के साथ साउंड आ रही है, बट मुझे कोई साउंड नहीं आई थी, तो मुझे शायद लगा कि मुझे मेरी कोई भी पॉपअप नहीं आया फर्स्ट डे, और मे बी आया भी हो तो नहीं पता चला मुझे, क्योंकि कोई साउंड नहीं थी। और दूसरा ये था कि एक ही दिन मुझे साउंड का पता चला था, और उसके बाद कोई साउंड नहीं थी वहाँ। सो हो सकता है कि इनके भी उसमें साउंड नहीं आ रही होगी। सो बहुत सारे बच्चों की MC बनी है यहाँ पर, और मैंने तो ध्यान से देखा भी नहीं है कितने पेज हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों की। आप अपना नाम प्लीज़ ढूंढ लीजिएगा, इसको थोड़ा स्पीड स्लो करके। ये ऑफलाइन वालों के हैं, ये नीचे यहाँ पर ऑफलाइन UMC हैं, जो ऑफलाइन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, टीचर्स ने इनकी UMC बनाई है। हम
सब कुछ ना कुछ करके CRSU से करेंगे बात कि इस पे कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, बिकॉज इतने सारे बच्चों की UMC तो काफ़ी हद तक अनफेयर ही है। एक तरह से तो आधा कॉलेज आधी यूनिवर्सिटी ही इन्होंने UMC के तहत इंक्लूड कर दी है। ये जितने भी कोर्स बताए गए हैं उन सभी कोर्स की UMC हैं। ये सभी ऊपर थी जो 30 नवंबर की थी और ये अब 1 दिसंबर की स्टार्ट हो गई हैं। जो हियरिंग है अब 1 दिसंबर को जहाँ पर जिन बच्चों को जाना है वहाँ हियरिंग करने उनके लिए है। UMC हियरिंग के लिए आपको यूनिवर्सिटी कैंपस आना होगा, वहीं पे UMC की हियरिंग होगी, कहीं और नहीं होती है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की कोई बात पूछनी हो, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और प्लीज़ ये भी बताइएगा प्रैक्टिकल कैसे हो रहे हैं, कितने रुपए आपसे लिए गए हैं वहाँ पर और कैसा क्या वहाँ पर आपसे पूछा गया, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सभी को। आप सब हैं तो मैं हूँ, नहीं तो मेरा भी कोई वजूद नहीं है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा बच्चों की MC है, 42 पेज मैं स्क्रॉल कर चुकी हूँ अभी तक। और एक बार किसी बच्चे की UMC बन जाती है तो मैं समझ सकती हूँ कि उस बच्चे का मानसिक जो ट्रोमा होगा या उसके दिल दिमाग पे क्या बीत रही होगी। लेकिन आप अगर बन भी जाती है तो प्लीज़ पैनिक ना हो, क्योंकि मैंने एक दो बच्चों से बात करी है जिनकी UMC बनी है और बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे वो। और मेंटली स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने आप को इस चीज़ के लिए, बिकॉज आप सभी भावी टीचर हैं प्राइवेट गवर्नमेंट जहाँ भी आप जॉब करेंगे। सो अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकें उतना बनाइए, ताकि आगे के लिए आपके लिए अच्छा हो। और UMC बनती रहती हैं, ठीक भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है जीवन प्रति ये रहेगी आपकी। तो आप प्लीज़ पैनिक मत होइएगा, चाहे री आती है या UMC बनती है, हौसला बनाए रखिए ताकि आप खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे से निखार पाए वहाँ पर। मोस्टली जो UMC बनी है वो यही है कि बार बार नोटिफिकेशन दिया गया और बच्चे ने कोई मूवमेंट नहीं करी है वहाँ पर, या फिर आप बहुत ज़्यादा हिल रहे थे इसलिए आपकी UMC बनी है, या आप कोई डाउटफुल एक्टिविटी कर रहे थे इसलिए आपकी UMC बनी है। तो ये कुछ इस टाइप के ही ज़्यादातर आए हैं। और जिनकी भी UMC बनी है इस लिस्ट के तहत, वो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करें कि उनकी बनी है, और मैं उनको लाइव लेके आऊँगी उन बच्चों को जिनकी बनी है, और उनसे पता करेंगे कि एक्चुअली उन्होंने ऐसा करा क्या था कि यहाँ पर उनकी UMC कंडक्ट की गई है, उनको वहाँ ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया था या नहीं UMC के तहत जो यहाँ बता रखा है। अगर आया था तो उन्होंने वहाँ पर एक्शन क्यों नहीं लिया, और नहीं आया था तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है कि उनके तहत इस मैसेज के तहत उन पर एक्शन लिया गया है। सो सभी बातें करेंगे, इसीलिए प्लीज़ DM ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि क्या रहा कैसे रहा, सॉल्यूशन उसका ढूंढने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों की है, बहुत ये एक किसी की UMC बनी है, वो है रॉन्ग सीट अपलोड की वजह से, मतलब गलत उसने
सीट अपलोड कर दी है, मतलब पीडीएफ अपलोड कर रही थी या कर रहा था, मैं नाम नहीं देख पाई सॉरी, मतलब लड़की थी या लड़का, साक्षी हैं, साक्षी कुमारी हैं, एमए 6M की स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने गलत सीट अपलोड करी है, मतलब गलत पीडीएफ उन्होंने अपलोड कर दी है। इसी वजह से मैंने आप सभी को बोला था कि आप अपना जो पीडीएफ है उसका जो नाम रखेंगे वो रोल नंबर विद पेपर के साथ रखेंगे कि आप कौन सा पेपर की वो पीडीएफ है, ताकि आप गलती ना करें इस चीज़ में। ये मैं स्टार्टिंग से दोहराती जा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। ये मोहिनी है कोई, इन्होंने इनकी एमसीक्यू बनी है, इन्होंने अपनी जो आईडी है वो गलत अपलोड करी है, और ये एक अजय है, इनकी जो हैंडराइटिंग है वो एकदम डिफरेंट पाई गई है, अदर हैंडराइटिंग है, अलग अलग हैंडराइटिंग इनकी मिली है। इस पर भी एक चर्चा करेंगे, कल ही करेंगे, कल हम एक लाइव लेंगे जिसके अंदर मैं इसी बात पर चर्चा करने वाली हूँ कि किस वजह से राइटिंग का जो इशू है वो आ सकता है, और आपने ऐसा अगर किया है तो बिल्कुल आप प्रॉब्लम हो पाएगी, अदरवाइज आप बिल्कुल हैंडराइटिंग के तहत तो बिल्कुल आप पैनिक ना होइए, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, बिकॉज मैं कोई भी फालतू चीज़ इसमें नहीं इंक्लूड करती हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताती हूँ आपको, और कोशिश करती हूँ कि सब कुछ सच बताऊँ। मैं झूठ बोलने पे विश्वास नहीं रखती, ना ही मैं जो थंबनेल होते हैं वो झूठे बनाती हूँ। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उनकी है, और नीचे ऑनलाइन एग्ज़ाम की है, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम में तो सिर्फ 8 या 10 UMC बनी है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप देख ही रहे हैं कि किस हद तक UMC बनाई गई हैं। और इनकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप सभी जानते हैं कि जो इतना ओपनली सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है उसकी वजह से है ये, और कोई वजह नहीं है। और ज़्यादा एक्टिव भी यूनिवर्सिटी इसी वजह से हो गई थी, क्योंकि बहुत ओपनली सब कुछ बता दिया गया था। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे क्या किया जाएगा। बहुत ज़्यादा बच्चों की UMCs हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए इसके ऊपर। ये BPED वालों की है, 6 बच्चों की BPED में UMC बनी है, MPED में भी 6 बच्चों की UMC बनी है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।